नमस्ते दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप एक ही मिनट में अपने घर के लिए ईंटों की संख्या पता कर सकते हैं कि हमको कितनी ईंटें चाहिए। तो चलिए अपना चालू करते हैं वीडियो। अगर आपको कभी भी ईंटों की संख्या निकालनी पड़े तो आप खुद ही ईंटों की संख्या इजी वे में निकाल सकते हैं। जब भी आप घर बना रहे हैं या बनवाएंगे तो आपको आप खुद ही निकाल सकते हैं कि मेरे घर के अंदर कितनी ईंटें लगेगी। जैसा कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये 10 फीट की वाल है और 10 फीट ऐसे है। आपकी वाल चाहे कितनी भी हो, आप 10 फीट प्लस 10 फीट ये काउंट करके टोटल वाल निकाल लेना। और ये बता रहा हूँ मैं 9 इंच की वाल की। तो 9 इंच की वाल में ईंटों की संख्या पता करने के लिए आपको लंबाई इंटू ऊंचाई, ये वाल है, ऊंचाई आपकी छत तक 10 फीट लगभग बनती है। तो आपको क्या करना है, 10 फीट प्लस 10 फीट एग्जाम्पल है, आप जो भी आए आप खुद साइड पर निकाल सकते हैं। 10 फीट प्लस 10 फीट 20 फीट हो गया, ये आपका ये टोटल लंबाई 10 प्लस 10 20 फीट हो गया। अब इसको ईंटें कितनी आएगी इसमें, 10 ये 20 फीट ये हो गया, ये 20 फीट हो गया, और इसकी जो हाइट है छत तक वो 10 फीट आएगी। तो 20 इंटू 10 200 फीट आपका एरिया बना। ये आपको 9 इंच की वाल के लिए। और हम जो ईंटों की संख्या निकालते हैं, 1 स्क्वायर फीट में आपको 5 ईंटें, 4 इंच की वाल है तो 5 ईंटें हम काउंट करते हैं। तो 4 इंच की वाल अगर आपकी है तो 200 फीट हुआ इंटू 5 से आप गुणा करेंगे, 5 ईंटें हो गई, तो 1000 ईंटें आपको आएगी। अगर यही 9 इंच की वाल है तो आप डबल कर दीजिए, 1000 इंटू 2, 1000 ईंटें, 9 इंच की वाल है तो इंटू 2 लगाया तो 2000 ईंटें आपकी हो गई। अगर आपको ये फॉर्मूले से भी नहीं करना है और आपको माइंड में ही करना है तो आप एक ही मिनट में कैसे ईंटों की संख्या पता करेंगे? अगर आपको ये एक मिनट में निकालना है तो क्या करेंगे, आपका जो जितना भी स्क्वायर फीट आए उसमें एक जीरो और लगा देना है। जैसे हमने ली थी 20 फीट लंबी वाल थी, 10 फीट उसकी हाइट थी, तो आपको क्या करना है, 200 फीट आपका बना था और हमने एक ये जीरो और लगा दिया तो 2000 ईंट आ गई, ये 2000 और ये 2000। और ले लीजिए आप, अगर 60 फीट लंबी आपकी वाल है और 10 फीट उसकी ऊंचाई है तो कितना हो गया, 600 फीट, और हमने एक जीरो और इसमें ये ऐड कर दिया, 6000 ईंटें आपकी आ गई। अगर 4 इंच की वाल है तो आप उसे आधा भी कर सकते हैं, जैसे ये 9 इंच की वाल है, अगर इसको 4 इंच में आपको कन्वर्ट करना है तो आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो 3000 ईंटें आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।